सूबे की अशोक गहलोत जनमत और विपक्ष की मांग के आगे झुक गई है, जिसके बाद भाजपा ने सूबे की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे जनमत के सामने घुटने टेकने की बात कही, तो वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना अभी भी जारी है। दरअसल गहलोत सरकार ग्राम पंचायत से वित्तीय अधिकार छीनकर पीढ़ी खाता प्रणाली को लागू करने जा रही थी, जिसका विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा था। इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा सरपंचों को बड़ा झटका लगता। इसे लेकर प्रदेश भर के सरपंच लामबंद हो गए थे, लिहाजा लगातार हो रहे विरोध के चलते सरकार की ओर से भी इस मामले को लेकर मंथन किया जा रहा था। ऐसे में अब इस व्यवस्था को लागू नहीं करने का फैसला किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्व की भांति ही बैंकों के माध्यम से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। निवास पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्ववत जारी रखा जाए, ताकि पंचायती राज ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में किसी तरह की बाधाएं न आए। पूनिया ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार ने जनमत के सामने घुटने टेके और पंचायती राज के तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। आज यह साबित हो गया कि हिलती डुलती लुंज पुंज यह कमजोर सरकार नैतिक रूप से भी कमजोर हो चुकी है। इस फैसले से, इस तुगलकी फरमान से ग्रामीण विकास के काम ठप होंगे, पंचायती राज की वित्तीय स्वायत्तता खत्म होगी और उस किस्म से इस सरकार ने एक पहरा बैठाया और इस सरकार को अंततः घुटने टेकने पड़े। हमने पहले कहा था कि सरकार को ये आदेश वापस लेना पड़ेगा, इस तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ेगा, और आज ये साबित हो गया कि ये हिलती डुलती लुंज पुंज कमजोर सरकार नैतिक रूप से भी कमजोर हो चुकी है, और इसलिए इस फैसले से साबित हो गया कि सरकार नैतिक रूप से हार चुकी है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने एवं एसएफसी राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत बजट आवंटित नहीं किए जाने को लेकर 21 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा था। किरोड़ी लाल मीणा ने पीडी सिस्टम लागू नहीं करके बैंकों के माध्यम से ही ग्राम पंचायत में भुगतान जारी रखने के लिए निर्देश को लेकर अशोक गहलोत का आभार जताया, लेकिन इसके बावजूद किरोड़ी मीणा ने अपना धरना खत्म नहीं किया। बिजली बिलों में किसानों को मिलने वाली 833 रुपए की सब्सिडी पुनः मिले, फ्यूल चार्ज और ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर लिए जा रहे शुल्क बंद हो, राजनीतिक द्वेष के आधार पर वीसीआर डीपी के नाम पर वसूली बंद हो, एसीबी ने पूर्व भ्रष्टाचार के मामले में 2 अधिकारियों को पकड़ा था परंतु जो भ्रष्टाचार का मगरमच्छ था उसे भी पकड़ा जाए, सभी मामले को लेकर मेरा दौसा में धरना जारी है। ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकारों में कटौती कर दी थी, जो पैसा सीधा ग्राम पंचायतों में आता था उसको सरकार ने पीडी खाते में डालने के निर्देश दे दिए थे। मैंने उसका विरोध किया, विरोध स्वरूप मैं आप यहां धरने पर हूं, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरी आवाज मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार तक पहुंची, जिसका परिणाम ये निकला है कि अब पीडी खाते के बजाय ग्राम पंचायत के खाते में सरपंचों के यहां पैसा जाएगा। इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। बहरहाल सरकार के यू टर्न से विपक्ष को बैठे बिठाए घेरने का नया मौका मिल गया, साथ ही कांग्रेस को इस फैसले से गांवों में अपना जनाधार खिसकने का भी डर सताने लगा था। ऐसे में मजबूत सरकार को अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।